guys and welcome to you all in Go With Trend. So guys, today we are going to learn about some exceptions that we have discussed in the previous video. Today we are going to learn about those exceptions that may occur during handling the exceptions. Okay, so basically आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन्स पे है, different types of errors or exceptions in Pythons. So guys, basically आज हम एरर्स के टाइप्स देखेंगे, किस किस टाइप के एरर्स आपको मिलते हैं जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो या एग्जीक्यूट करते हो तो. ठीक है, कुछ इसमें एरर्स ऐसे हैं जो बेसिकली आपको पता होंगे वाइल वर्किंग इन अ कोड. जितना अभी तक हमने काम किया है, जितनी अभी तक हमने अपने कोड सीरीज में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें काफ़ी टाइम इस टाइप के एरर्स आपके प्रोग्राम कोड में आए होंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिस्ट ऑफ द कोड एरर्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड ओनली राइट नाउ in this video only. Okay, so starting with the video, let's go. So here guys, some built-in exceptions. So कुछ ये exceptions और कुछ ये errors हैं जिन्हें हम करेंगे discuss आज की video में. आपको जैसे कि बताया कि मैंने आपको last video में indentation error के बारे में बताया था, what are the indentation errors and क्यों occur होते हैं, इसका basic reason क्या होता है. ठीक है, सो आज डिस्कस करेंगे इन सभी एरर्स पे वन बाय वन. इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, स्किप कहीं नहीं करना होगा, ताकि आपके सारे टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर होते चलें. सो गेटिंग स्टार्टेड, फर्स्ट इज ए अर्थमेटिक एरर्स. अर्थमेटिक एरर्स का मतलब क्या होता है गाइस? अर्थमेटिक से आपको एक माइंड में तो आइडिया आ गया होगा ना, वट इज़ अर्थमेटिक, है ना. अर्थमेटिक के नाम से दो चीज़ें माइंड में आनी चाहिए. पहले चीज़ अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ दैट ऑपरेटर्स. ये दो चीज़ें आनी चाहिए माइंड में. क्यों आनी चाहिए गाइस? क्योंकि देखो, ऑपरेटर्स हैं तो उनके ऑपरेशंस पता होने चाहिए. ठीक है, अगर आपके कुछ अर्थमेटिक में कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनके आपको ऑपरेशंस नहीं पता, देन हाउ कैन यू यूज़ दैट ऑपरेटर, राइट? आपको इसको यूज़ करना नहीं आएगा. आप उसे गलत तरीके से यूज़ करोगे, देन यू विल बी गेटिंग एन एरर ऑफ अर्थमेटिक टाइप, राइट? सो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई एरर की बात हो रही है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट हैं, आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, सो आई होप कि आपको अर्थमेटिक एरर का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा क्लियर हो गया हो. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इम्पोर्ट एरर. सो गाइस, अभी लास्टली कुछ वीडियोज़ में हमने मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था. ओके, इफ़ यू रिमेंबर, हमने मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था, वॉट इज़ मॉड्यूल एंड What happens when you import in module, why we use modules and कुछ modules के बारे में हमने किया था discussion, हमने उनके practicals भी किए थे, right? So module को आपको मैंने बताया होगा starting में कि जब भी आप module को use करना चाहते हो, then you have to install it first. ठीक है, तो बताया सबको कि अगर आप कोई module use करना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि आपका module आपके laptop या आपके PC में installed होना चाहिए, ताकि उसे आप use कर सको, right? इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो. इफ़ यू हैव नॉट परचेस्ड एनी आइटम फ्रॉम द मार्केट, देन हाउ कैन यू यूज़ दैट एट योर होम, राइट? आपने कोई सामान परचेज नहीं किया है मार्केट से, आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हो? घर में नहीं कर सकते ना. सो समथिंग इट इज़ सिमिलर इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इफ़ यू हैवंट इम्पोर्टेड अ मॉड्यूल, देन हाउ कैन यू यूज़ इन द प्रोग्राम. नहीं कर सकते यूज़, क्योंकि आपने उसे डाउनलोड नहीं किया गाइस, आपने उसे इंस्टॉल नहीं किया कहीं पे भी. एक बेसिक आपको exe फाइल से आपको चाहिए होती है सॉफ्टवेयर के लिए, समथिंग लाइक दैट. आपको इंस्टॉल करना पड़ता है मॉड्यूल को विद इन द सॉफ्टवेयर, ताकि आप उसको यूज़ कर सको, उसके फंक्शंस को आप एसेस कर सको, राइट? तो मॉड्यूल आपके बेसिकली इम्पोर्ट एरर में किस टाइप के एरर्स आते हैं, क्या आता है, बताती हूँ अभी मैं आपको. तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जब मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, तो पहले लिखते हैं इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, राइट? तो आपने लिखा इंपोर्ट, टिक एंटर, एंड यू आर नॉट इंस्टॉल्ड, यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड, टिक एंटर मॉड्यूल. आपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, एंड आपने लिख दिया इंपोर्ट, टिक एंटर. सो गाइस, आपको इस केस में क्या एरर मिलेगा? मॉड्यूल नॉट फाउंड. क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने उस मॉड्यूल को कहीं डाउनलोड इंस्टॉल किया ही नहीं है. सो आप उसको इंपोर्ट कैसे कर रहे हो? हाउ कैन यू इंपोर्ट? नहीं कर सकते, ठीक है. सो इस केस में आपको मॉड्यूल एरर मिला, इट मीन्स दैट इट इज़ द इंपोर्ट एरर. ये आपको आपकी इंपोर्ट लाइन में ही, फर्स्ट लाइन में आपको ये एरर मिलेगा. सो इट इज़ एन इंपोर्ट एरर, जो कि आपका रिजॉल्व कब होगा? आप जब उस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लोगे, देन योर एरर विल बी गेट रिजॉल्व. ओके, सो आई होप इम्पोर्ट एरर तो क्लियर हो गया. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, इंडेंटेशन एरर. इंडेंटेशन एरर बहुत एक सिंपल बेसिक से एरर है. ये एरर कब आता है? जब आपने कहीं पे स्पेस लगा दिया जहाँ पे वो अनएक्सपेक्टेड हो,
और आपने स्पेस लगा दी हो, या फिर कहीं एक्सपेक्टेड हो और आपने वहाँ स्पेस नहीं लगाया हो, तो आपको उस केस में ये एरर मिलता है, राइट? लाइक आप जब भी फंक्शन क्रिएट करते हो और आप कॉलन लगाते हो आके, देन यू प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपको आपके लाइन के स्टार्टिंग के मार्जिन के काफ़ी बीच में आके, इसके मतलब जहाँ पे आपका कॉलन होता है उसके पैरेलली में ही आपका वो कर्सर आता है आपको वहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करने के लिए, ओके? सो उस कोड में, उस सिचुएशन में आपको कोडिंग वहाँ से करनी होती है, ठीक है? एंड अगर आपने बाई चांस मिस्टेक से, अगर आपने उस प्लेस से आपने मूव करके कहीं और से कोडिंग स्टार्ट की, तो यू विल बी गेटिंग एन अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन एरर। अब वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड का इंडेंटेशन एरर का क्या मतलब है, लेट्स गेट टू नो। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है गाइस कि वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने कि आप ऐसा एरर, आपका ऐसा स्पेस दोगे इसमें, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड था वो। बट अगर आपने कहीं पे स्पेस दिया है जहाँ ज़रूरत है, आपको एरर नहीं मिलेगा। लेकिन आपने कहीं पे स्पेस की ज़रूरत नहीं है, आपने दे दिया स्पेस, देन इट विल बी गेटिंग एन अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन एरर। और जहाँ पे बेसिकली एरर्स का मतलब अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड होता है, ये आपका इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड इन दोनों टर्म्स के ऊपर बेसिस बेस्ड होता है। वी विल सी इट इन अ डिफरेंट पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस। सो इतना काफ़ी कि इंडेंटेशन एरर भी आता है, क्यों मैं ये जान लूँ, इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगी, सो डोंट पैनिक। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इंडेक्स एरर। सो गाइस, इंडेक्स एरर एक बहुत बेसिक से एरर है। आई मीन ये बहुत बेसिक तो नहीं है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि ये बहुत फैमिलियर है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपकी मेमोरीज मीन्स अगर कुछ वैल्यू स्टोर होती है तो उनको एक पर्टिकुलर स्पेस मिलता है, राइट? अगर आपने कहीं पे हेलो वर्ड लिखा है, ठीक है, हेलो लिखा है, तो अगर आपने हेलो के पहले स्पेस दिया है ना, तो वो स्पेस के लिए एक अलग स्पेस एलोकेट हो जाता है, उसका एक अलग इंडेक्स पे वो स्टोर होता है। लाइक आपको पता होना चाहिए जिसकि जब इंडेक्स की बात आती है, तो इंडेक्स आपको डिफ़ॉल्ट जीरो से शुरू होता है एंड लास्ट जब जहाँ तक कि आपके स्ट्रिंग्स या नंबर्स होते हैं वहाँ जाके एंड होता है, राइट? सो इंडेक्स बाई चांस आपने हेलो लिखा तो HELLO, तो आपका बेसिकली पांच स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, पांच अल्फाबेट्स हैं एंड वन इज द स्पेस। स्पेस को इंक्लूड कर लेते हैं इसमें हम, ठीक है? तो वहाँ पे जो काउंटिंग होगी सिर्फ सिक्स तक होगी। अब सिक्स तक क्यों होंगी, वैसे बेसिकली देखा जाए तो फाइव तक की होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतनी होगी सिर्फ। बट अगर आप जीरो को भी अपनी लेमन लैंग्वेज में कहो तो वो सिक्स तक आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली काउंटिंग उसकी उतनी तक ही होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई ऐसा वेरिएबल एसेस करना जो इंडेक्स नंबर सिक्स पर लाई करता है, बट इंडेक्स नंबर सिक्स है ही नहीं कहीं, सो इट विल गिव यू एन इंडेक्स एरर। ओके, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द इंडेक्स एरर। इट्स रेज व्हेन एन इंडेक्स ऑफ अ सीक्वेंस डजंट एग्जिस्ट। ओके, मतलब आपकी जो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ फाइव तक के इंडेक्स प्रेजेंट है एंड यू आर ट्राइंग टू प्रिंट द इंडेक्स नंबर सिक्स, वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर सिक्स दैट डजंट एग्जिस्ट। सो गाइस, आपको एरर तो मिलना ही है उस केस में, है ना? मिलेगा एरर आपको उस केस में, इंडेक्स एरर मिल जाएगा, ठीक है? सो ये बात थी हमारे इंडेक्स एरर की। देन नेक्स्ट आते हैं मेमोरी एरर पे। मेमोरी एरर क्या होता है गाइस, आपके सिस्टम में मेमोरी कम होती है अगर, तो आपको दो एरर मिलता है। मींस आपके लिए आपके अगर सिस्टम में स्पेस कम है तो उस केस में आपको ये एरर देगा, क्योंकि कुछ फाइल्स कुछ मॉड्यूल्स के लिए स्पेस और मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए, वो वहीं पर चलते हैं कोड्स, ठीक है? तो उस केस में आपको ये एरर मिलता है। बेसिकली ये एरर बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसके मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज इतनी बड़ी नहीं होती कि वो एग्जिस्ट ना कर सके आपकी सिस्टम में, लैपटॉप में, ठीक है? सो कमिंग टू द नेम एरर, गाइस जो नेम एरर ना, बहुत ही बेसिक सा एरर है जो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। लाइक आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर, आपने किसी वेरिएबल को प्रिंट कराया है, ठीक है? आपने लिखा प्रिंट वाई, बट यू हैवंट डिक्लेयर द वेरिएबल वाई, आपने वाई को कहीं डिक्लेयर नहीं किया। इस नेम एरर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था इन एक्सेप्शन वाइल ट्राई ब्लॉक एंड फाइनल एक्सेप्ट ब्लॉक। इस पर मैंने डिस्कशन किया था कि आपने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है एक्स, बट यू आर ट्राइंग टू प्रिंट अ वेरिएबल वाई, सो वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस नेम से वेरिएबल बनाया वो तो आपने प्रिंट किया ही नहीं ना, आपने किसी और नेम से बनाया, आप किसी और नेम से प्रिंट कराना चाह रहे हो। सो इन दिस केस यू विल बी गेटिंग अ नेम एरर, राइट? सो आते हैं नेक्स्ट पे, ओएस एरर। ओएस एरर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम एरर। गाइस ये आपको एरर तब मिलता है जब आपके कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो उस केस में आपको ये ओएस एरर मिलता है, ठीक है? सो इसके लिए अभी इतना समझना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये एरर भी
बहुत मोस्टली नहीं देखा जाता, बहुत रेयर केसेस में एरर सामने आते हैं, ठीक है। फिर डोंट वेरी, इन सभी के बारे में इंडिविजुअली हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। सो अभी आते हैं रन टाइम एरर पे। सो गाइस बेसिकली रन टाइम एरर्स आप वही बोल सकते हो कि जो हम जो भी कोई कोड लिखते हैं या रन करते हैं तो वो एरर आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता चलता लेकिन आपका एरर आता है, आपका वो आउटपुट नहीं मिलता आपको जो आप चाहते हो। सो उस केस में आपके पास ही रन टाइम एरर आता है, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर द मोस्ट एरर्स आर बीइंग देयर, दैट इज सिंटेक्स एरर, सिस्टम एग्जिट एरर, टाइप एरर एंड वैल्यू एरर। ये एरर्स तो आई होप कि आप लोग को जाने पहचाने लग रहे होंगे, ये काफ़ी कोर्स है, मैंने आपको इन एरर्स को रेज करके दिखाया है हाउ टू रेज ऑल दीज एरर्स, ठीक है। सो कमिंग टू द फर्स्ट सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर तो गाइस बहुत ही टाइम आपके कोड में आ चुका होगा एज इंडेंटेशन एरर, बिकॉज गाइस सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है कि कहीं पे आपको डॉट लगाना था आपने डॉट नहीं लगाया, एरर आ जाएगा। कहीं पे आपको एन इज इक्वल्स टू 20 लिखना था, आपने इज इक्वल्स टू नहीं लिखा, आपने एन 20 लिखा, तो क्या आप डिक्लेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एटलीस्ट समझ तो आना चाहिए कंपाइलर को, है ना, इंटरप्रेटर को समझ तो आना चाहिए। समझ नहीं आएगा तो वो जाहिर सी बात आपको सिंटेक्स एरर शो कर देगा, राइट। तो आपको इस केस में सिंटेक्स एरर मिल जाएगा। तो गाइस सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आपका एरर आपकी किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में है, ठीक है। आपने लिखा एक्स 20, आपने एक्स 20 लिख दिया, एक्स इक्वल्स टू तो आपने लगाया नहीं, बीच में आपने असाइनमेंट ऑपरेटर तो लगाया ही नहीं, तो आप असाइन किसको कर रहे हो वैल्यू, कहाँ वैल्यू असाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपाइलर या इंटरप्रेटर को कुछ समझ नहीं आएगा ना। इनफैक्ट आपको भी नहीं आएगा, अगर आप उस कोड को काफ़ी टाइम बाद ओपन करते हो आपको भी समझ नहीं आएगा कि आपने किया क्या वहाँ पे। तो इस टाइप के एरर्स सिंटेक्स एरर होते हैं, कि आपने कुछ सिंटेक्स लिखा, आपने असाइन नहीं की कोई वैल्यू किसी को, तो इट्स ऑब्वियस गाइस कि आपको सिंटेक्स एरर मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द सिंटेक्स एरर, वी विल गोइंग टू डिस्कस द अदर एग्जांपल्स ऑफ सिंटेक्स एरर टू बट इन द पर्टिकुलर वीडियो ऑफ दिस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सिस्टम एग्जिट एरर। सो गाइस ये सिस्टम एग्जिट एरर का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे सिस्टम एग्जिट एरर कुछ इस तरह के एरर्स होते हैं जहाँ पे ये जब भी आप अपने सिस्टम को एग्जिट करने की कोशिश करते हो एग्जिट फंक्शन में एरर आता है, ठीक है। जैसे देखो आपके पास फंक्शंस अब होते हैं काफ़ी सारे फंक्शंस, आपने अगर MySQL क्या होगा ना गाइस, तो उसमें ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है, ओके। एंड आफ्टर क्वाइटिंग इट, अगर आपको बंद करना होता है तो आप डायरेक्टली क्रॉस से बंद कर सकते हो, बट कोडिंग से भी ऑप्शन होता है, आपको क्वाइट लिखना होता है ना, क्वाइट या ऑल टेक्स्ट करना होता है, आपका वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे एक फंक्शन स्पेशली डिजाइंड है इसके लिए भी, अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर कोई कोड कोई पेज आपका क्लोज हो जाए, सो उसके लिए यहाँ पे एग्जिट फंक्शन होता है, ठीक है। तो एग्जिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कि अगर आपके एग्जिट फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो सिस्टम एग्जिट एरर शो करेगा, ठीक है। सिस्टम एग्जिट से गाइस एक बात तो आपके माइंड में आ गई होगी ना, अबाउट जावा, क्योंकि जावा जब करते थे हम लोग तो जावा में क्या करते थे, हम सिस्टम डॉट एग्जिट लिखते थे, राइट। हम सिस्टम डॉट एग्जिट लिख के अपने स्टेटमेंट अपने किसी भी फॉर्म से बाहर आते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जिट फंक्शन होता है, सिस्टम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म को एग्जिट करना चाहते हो, देन यू कैन यूज़ द नेम ऑफ द फॉर्म एंड देन डॉट एग्जिट टू गेटिंग आउट ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो ये तो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वी विल डिस्कस इन लेटर टर्म्स, बट अभी जानना ये ज़रूरी कि सिस्टम एरर एग्जिट एरर आपको कब मिलता है, जब आपके एग्जिट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मिलता है ये एरर, ठीक है। देन आपका आता है लास्ट नेक्स्ट एरर टाइप एरर। टाइप एरर कब आता है, जब आपने अलग अलग टाइप को कंबाइन किया होता है। अब आप टाइप एरर का एग्जांपल ये भी समझ सकते हो कि आपने अपने इनपुट अपने अपने यूजर से इनपुट लिया इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है। आपने इनपुट लिया इंटीजर टाइप का डेटा, बट यूज़र को तो नहीं पता ना आप किस टाइप का डेटा इनपुट लेना चाहते हो, है ना। यूज़र इज़ अननोन, उसे नहीं पता कि आपने कोडिंग में बैकग्राउंड में आपने कोडिंग में क्या किया है, आपने किस टाइप की वैल्यू को एंटर करवाया है, ठीक है। आपने अपने प्रिंटिंग डिस्प्ले स्टेटमेंट में आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि एंटर एनी इंटीजर, कुछ नहीं लिखा, तो यूज़र को पता नहीं कि बेसिकली उसे एंटर क्या करना है, एन स्ट्रिंग और एन इंटीजर, उसने डाल दिया स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास टाइप एरर आ जाएगा, बिकॉज आपने एक्सपेक्ट किया था कि इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, बट यू आर गेटिंग द स्ट्रिंग टाइप डेटा। सो इस केस में आपको टाइप एरर मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस इन एरर्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप
अपने प्रोग्राम कोडिंग में कुछ इस तरह की चीज़ें मेंशन करो ताकि यूज़र भी फैमिलियर हो जाए कि आपको डेटा किस टाइप का डालना है, ठीक है? सो यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ द गेटिंग टाइप एरर। देन कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज़ वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का मतलब क्या होता है? ये आपके फंक्शंस में आता है, मतलब आपने किसी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे फंक्शन जब भी आप कोई कॉल करते हो उसमें कुछ अगर आर्ग्यूमेंट्स या कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एंड आपने दो पैरामीटर्स चाहिए किसी फंक्शन में, फॉर एग्जांपल, एंड यू हैव गिवन अ वन पैरामीटर, सो आपको वैल्यू एरर शो कर देगा। क्यों? वन मिसिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपका एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है तो एक वैल्यू मिसिंग है तो आपको उस केस में यहाँ पे वैल्यू एरर मिल जाता है, ठीक है। वी हैव सीन ऑल दीज एरर्स इन द प्रीवियस वीडियोस, इन द प्रीवियस ओप्स कॉन्सेप्ट्स, इन द फंक्शंस, इन द मॉड्यूल्स, जितने मैंने डिस्कस किए हैं ना गाइस, आप इसे फैमिलियर हो, ठीक है। अगर आपने इस सारे टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हो तो आप फैमिलियर हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरर्स हैं जो आपको मैंने कई बार रेज करके दिखाया है व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इन अ वीडियो, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको आज का कंटेंट हेल्पफुल लगा हो और टॉपिक्स क्लियर हो गए हों। अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन ज़रूर करना, एंड अपना फीडबैक देना मत भूलना, योर फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग पाइथन विथ गो विथ ट्रेंड।